हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम एनीमिया के बारे में देखने वाले हैं। तो क्या होती है एनीमिया? तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में क्या होती है, आरबीसी पाई जाती है। वह आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कंसिस्ट करती हैं। इसी के अपोजिट मैकेनिज्म है कि आरबीसी जो है वो लेस अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी करती है, या फिर ब्लड में जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसकी कम हो जाती है। इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं तो एनीमिया ऑकर्स व्हेन देयर आर नॉट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल टू कैरिंग ऑक्सीजन टू योर बॉडीज ऑर्गन। मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजन को कंसिस्ट करने के लिए हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, जब हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है इसी कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। और जब क्या होता है कि आरबीसी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पूरी खत्म हो जाती है उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया के डिफरेंट टाइप होते हैं, बट सबसे कॉमन टाइप होता है आयरन डेफिशियंसी एनीमिया। अब हम एनीमिया के कॉजेस के बारे में देखते हैं, क्यों होती है एनीमिया। तो एनीमिया कैन बी कॉज्ड बाय ब्लड लॉस। ब्लड लॉस होने से क्या होता है कि आरबीसी जो होती है बाहर हो जाती है बॉडी से। जब आरबीसी बाहर हो जाएगी तब क्या होगा कि वह ऑक्सीजन को अच्छे से क्या कर पाएगी, कंसिस्ट नहीं कर पाएगी, जिससे भी क्या हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। डिक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी एनीमिया कॉज हो सकता है। इंक्रीज रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन उसके 120 डे लाइफ साइकिल से पहले ही अगर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो भी एनीमिया कॉज हो सकता है। पीपल में बी बॉर्न विद सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया। कुछ पीपल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, उन्हें बॉर्न से ही एनीमिया के कारण हो सकते हैं, बिकॉज दे हैव सर्टेन इनहेरिटेंस क्रॉनिक डिसीज। उनमें कुछ वंशानुक्रम जीन के क्या हो गया, मैनिपुलेशन के कारण क्या हो जाता है, एनीमिया हो सकता है। पुअर डाइट कॉज आयरन डेफिशियंसी एनीमिया। डाइट अच्छे से ना लेने या फिर आयरन के ज़्यादा अमाउंट में या फिर कम अमाउंट में इंटेक करने से भी क्या हो सकती है, आयरन डेफिशियंसी एनीमिया हो सकती है। अब हम एनीमिया के टाइप्स के बारे में देखते हैं, तो डिफरेंट टाइप की एनीमिया होती है। एनीमिया के डिफरेंट टाइप होते हैं, आयरन डेफिशियंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और हेमोलाइटिक एनीमिया। इसको टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। आयरन डेफिशियंसी एनीमिया के बारे में देखते हैं, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया। यह एनीमिया का सबसे कॉमन फॉर्म है जो कि वर्ल्ड के मेनी पार्ट्स में क्या होता है, पाया जाता है। इट ऑकर्स व्हेन योर बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन विच योर बॉडीज नीड। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया तब कब होती है, जब बॉडी को जिस अमाउंट में आयरन की नीड होती है उस अमाउंट में आयरन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। मतलब आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है। बॉडी को आयरन क्यों चाहिए होता है, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए बॉडी को आयरन की नीड होती है। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द रेड ब्लड सेल काउंट नॉर्मल। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड सेल काउंट जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन उनमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो स्मॉल और वेरिएबल साइज की हो जाती हैं, जिससे क्या करती हैं कि वे लेस अमाउंट में हीमोग्लोबिन को कंसिस्ट करती हैं। आयरन डेफिशियंसी एनीमिया ऑकर्स फ्रॉम डेफिशियंट इनटेक। आयरन डेफिशियंसी एनीमिया जो है आयरन के कम अमाउंट में लेने या फिर हाई अमाउंट ले लेने से भी क्या होता है, आयरन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण भी आयरन डेफिशियंसी एनीमिया हो जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में देखते हैं, तो बॉडी जो है क्या कर देती है, इनफ अमाउंट में न्यू ब्लड सेल के प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है, जिससे क्या होता है कि एनीमिया कॉज हो जाती है। एप्लास्टिक एनीमिया कैन डेवलप एनी एज। एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो किसी भी एज में डेवलप हो जाती है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया योर इम्यून सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, बोन मैरो में स्टेम सेल पाई जाती हैं, वही क्या करती हैं, ब्लड सेल के प्रोडक्शन करती हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो स्टेम सेल पर क्या कर देती हैं, अटैक कर देती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि स्टेम सेल जो होती हैं वो न्यू ब्लड सेल के प्रोडक्शन को रोक देती हैं, जिससे एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इन एप्लास्टिक एनीमिया स्टेम सेल आर डैमेज। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि स्टेम सेल जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं।
परनीशियस एनीमिया के बारे में देखते हैं तो परनीशियस एनीमिया इज द टाइप ऑफ एनीमिया, यह एनीमिया का एक टाइप है। इट इज कॉज ड्यू टू विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण परनीशियस एनीमिया हो सकती है। यह विटामिन क्यों चाहिए होता है? तो दिस विटामिन इज नीडेड टू मेक रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के क्या करने के लिए, फॉर्मेशन में यह विटामिन जो होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परनीशियस एनीमिया के सिम्टम्स के बारे में देखते हैं तो वीकनेस, हेडेक, वेट लॉस, चेस्ट पेन, ये सभी परनीशियस एनीमिया के सिम्टम्स हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में देखते हैं तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डेफिशियंसी कारण क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द ब्लड सेल काउंट डोंट डेवलप नॉर्मली। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड सेल जो होती हैं वो नॉर्मल से कम अमाउंट में क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। दे आर वेरी लार्ज एंड ओवल शेप, मतलब हमारी ब्लड सेल जो होती हैं वो राउंड होती हैं, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि ये लार्ज होती हैं और ओवल शेप की हो जाती हैं। दिस एनीमिया इज ट्रीटेड बाय विटामिन B12 एंड B9। विटामिन B12 और विटामिन B9 के क्या कमी को दूर करके भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट किया जा सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में देखते हैं तो हेमोलाइटिक एनीमिया कॉज व्हेन योर रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन अर्ली और डाई फास्टर देन नॉर्मल। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारे रेड ब्लड सेल जो हैं अपने नॉर्मल लाइफ साइकिल से पहले ही क्या हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इन दिस कंडीशन RBC डिस्ट्रॉय बिफोर 120 डेज। हेमोलाइटिक एनीमिया में इस कंडीशन में RBC जो हैं 120 डेज से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हेमोलाइटिक एनीमिया को ट्रीट किया जा सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया को टू टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया के बारे में देखते हैं तो थैलेसीमिया आर इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, यह इनहेरिटेड मतलब वंशानुक्रम वाली ब्लड डिसऑर्डर है, इन विच बॉडी डज नॉट मेक इनफ ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप में क्या करती है, हीमोग्लोबिन की क्या करती है, प्रोडक्शन कर देती है। दिस कॉज बॉडी मेक फ्यूअर हेल्दी रेड ब्लड सेल देन नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होता है कि कम अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स का होता है प्रोडक्शन होता है। अब हेमोलाइटिक एनीमिया में थैलेसीमिया के सिम्टम्स के बारे में देखते हैं तो स्लो ग्रोथ, डार्क यूरिन और वीकनेस जो हैं थैलेसीमिया के सिम्टम्स हैं। अब इन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, तो फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार ब्लड के ट्रांसफ्यूजन करके भी थैलेसीमिया को ट्रीट किया जा सकता है। जिलेटिन थेरेपी, इसमें क्या होता है कि एक्सेस आयरन जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखते हैं तो सिकल सेल एनीमिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड सेल। सिकल सेल एनीमिया जो है ब्लड सेल के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल सेल कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड सेल होती हैं वो हार्ड और चिपचिपी हो जाती हैं और सी शेप की हो जाती हैं। नॉर्मल ब्लड सेल जो होती है वो राउंड शेप की होती है, लेकिन सिकल सेल कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड सेल जो होती हैं वो सी शेप की हो जाती हैं। ये सिकल सेल जो होती हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और क्या होता है कि जब सिकल सेल जो होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल में फ्लो करती हैं तो सी शेप के कारण क्या होता है वो एक दूसरे से फंस जाती हैं और उसी ब्लड वेसल में क्या होता है ब्लड फ्लो को रोक देती हैं, जिससे क्या होता है कि चेस्ट पेन, इन्फेक्शन, चेस्ट सिंड्रोम और हार्ट स्ट्रोक हो सकता है। अब सिकल सेल एनीमिया के कॉजेस के बारे में देखते हैं क्यों होता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड बाय इनहेरिटेटिंग द सिकल सेल जीन। सिकल सेल जीन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर के कारण क्या होता है, जीन के ट्रांसफर के कारण हो सकता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स के बारे में देखते हैं तो वॉसु इंक्लूसिव क्राइसिस, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि सिकल सेल जो होती हैं वो जब स्मॉल ब्लड वेसल में फ्लो करती हैं तो सी शेप के कारण क्या होता है कि एक दूसरे से फंस जाती है और ब्लड फ्लो को रोक देती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि चेस्ट में पेन हो जाता है, हमारे लंग्स में क्या होता है पेन हो जाता है, यही है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। और ट्रबलिंग ब्रीथिंग एंड स्ट्रोक, मतलब जल्दी जल्दी क्या होता है सांस लेना।